देखिए पंजाब के अंदर पुरानी परेशानियां कई दशकों तक चली हैं। पंजाब एक सेंसिटिव स्टेट है। ऐसे राज्य में अगर कोई गड़बड़ी का अंदेशा भी होता है तो राज्य सरकार को बहुत संजीदा होके इस चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है। और मुझे खुशी है कि सरदार भगवंत मान की जो सरकार है और खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, इनका मानना था कि इसको बहुत सेंसिटिवली हम हैंडल करें। कम से कम वॉयलेंस होते हुए इन लोगों को कानूनी तौर पे गिरफ्तार किया जाए और जो भी ट्रायल होती है, जो मुकदमा होता है, उसके अंदर इनको पेश किया जाए, जो देश का कानून है उस हिसाब से इनको सजा दी जाए। मुझे बहुत खुशी है कि आज जो है उनको अरेस्ट कर लिया गया है और कानून के उचित जो है उनके ऊपर कार्रवाई आगे बढ़ेगी। और मैं पंजाब पुलिस को अपनी शुभकामनाएं दूंगा कि उन्होंने 36 दिनों के इतने लंबे चेज के बाद उनको गिरफ्तार किया है। करीब एक महीने से ज्यादा समय लगा जब पंजाब पुलिस लगातार इन कोशिशों में जुटी रही। अब तो खबर है कि उन्हें डिब्रूगढ़ भेजा जा रहा है जहां से पहले भी जिन लोगों की गिरफ्तारी का काम भेजा गया। देखिए जब मामले सेंसिटिव होते हैं तो कोशिश ये होती है कि वॉयलेंस बिना किए या कम से कम वॉयलेंस के आप अपराधी को गिरफ्तार करें और उसी के अंदर पुलिस की सूझबूझ जो है सामने आती है, सरकार की सूझबूझ सामने आती है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से इस मामले को हैंडल किया गया। कोई भी अफवाह और कोई भी गलत सूचना पे लोग ध्यान ना दें। पंजाब के अंदर शांति बनी रहे, अमन बना रहे, हिंदुओं सिखों के बीच में प्यार बना रहे, ये बहुत ज़रूरी है। अभी गृह मंत्री अमित शाह एक कार्यक्रम में थे 2-3 दिन पहले और उन्होंने ड्यूटी से लेकर सवाल किया गया था। उन्होंने पंजाब पुलिस स्टेशन की तारीफ भी की थी कि जिस तरह से पंजाब सरकार ने इसे हैंडल किया। देखिए जो भी बड़े ऑपरेशंस होते हैं जिसके अंदर देश की सुरक्षा से जुड़े हुए मामले होते हैं उसके अंदर सभी राज्य की सरकारों को और केंद्र की सरकार को कम से कम इन मामलों के अंदर मिलके काम करना चाहिए, सूचनाओं का आदान प्रदान करना चाहिए, इंटेलिजेंस शेयरिंग करनी चाहिए, तभी आप इनके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। मुझे लगता है इस मामले में सभी सरकारों का जो है बहुत अच्छा कोऑपरेशन रहा जिस कारण आज इनकी गिरफ्तारी हो पाई है। इससे पहले हमें दिखा लगातार एक महीने के दौरान जो गतिविधियां रही पंजाब के अलग अलग इलाकों में इंटरनेट बैन करने से लेकर काफी चीजें देखने को मिली और जनता का पूरा सपोर्ट रहा, तो आप इसे देखते हैं कि पंजाब में फिर से जो जिस तरह से नई तरीके से खालिस्तानी जो मांग हो रही थी, जो गतिविधियाँ हो रही थी, वो खत्म करने के लिए सरकार आगे बढ़? देखिए मोटे तौर पर पंजाब के अंदर कोई भी धर्म का आदमी हो, हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई भी हैं वहाँ, कोई नहीं चाहता कि पंजाब के अंदर अब सिचुएशन जो है ख़राब हो। चाहते हैं शांति बनी रहे, बिजनेस अच्छा हो, बच्चे पढ़े लिखें, अच्छी नौकरी करें, व्यापार करें। कोई नहीं चाहता कि जो है पुराना समय जो है पंजाब का वापस आए। इसलिए सब लोगों ने अपनी जाति धर्म के बारे में या उसके विचार से अलग होके उससे ऊपर उठ के जो है इसके अंदर पंजाब सरकार का साथ दिया। हम उन सबको जो है बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। देखिए आम आदमी पार्टी के दफ्तर के ऊपर भी केंद्र सरकार की नजर है, बार बार नोटिस देके हमारा दफ्तर खाली कराने की कोशिश करते हैं। जो भी विपक्ष में रहेगा उसके ऊपर केंद्र सरकार सब तरीके से हमले कर रही है, विपक्ष को कुचल के ख़त्म करने की कोशिश हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी ये चीज़ देख रहे हैं और उनको भी ये बात पसंद नहीं आ रही है, उनको लग रहा है अब ज़्यादा हो रहा है।